बिना रजिस्ट्रेशन के गेहूं की ट्रालियां लाने की मांग किसानों के द्वारा रखी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के अंदर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई है, पर्ची की व्यवस्था लागू की गई है, परंतु किसान मौके पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिना पर्ची बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रालियां अंदर प्रवेश करने भी शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन की लाइव तस्वीरें आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं। किसान जो है मौके पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ट्रालियों को बिना पर्ची बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर लाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे किसानों की ये मांग है कि किसी प्रकार की पर्ची और रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को ख़त्म किया जाए। किसानों ने कहा कि सामान्य रूप से जिस प्रकार पहले गेहूं को अंदर लाने दिया जाता उसी प्रकार गेहूं को अंदर लाने दिया जाए। किसी भी प्रकार की जो ट्रालियाँ आपको दिखा रहा हूँ प्रवेश कर रही हैं, हालाँकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन और गिरदावरी और अन्य कोई दस्तावेज दिखाने के लिए कहा था, परंतु किसानों ने यहाँ ट्रालियों को अंदर प्रवेश करा दिया। आपको बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर किसान इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने बिना किसी पर्ची नारे लगाते हुए सचिव कृषि उपज मंडी सचिव के कार्यालय की तरफ घेराव करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ से ट्रालियाँ इन्होंने अंदर प्रवेश कर दिए, ये मंडी का तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, कलम न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन की तस्वीरें हैं। सरकारी खरीद को शुरू करने के नारे भी हालांकि लगा रहे हैं और सचिव कृषि उपज मंडी समिति का घेराव करने के लिए जहाँ से किसान जो है रवाना हो चुके हैं धान मंडी के अंदर, इन्होंने जो गेहूं की ट्राली है वो बिना किसी पर्ची बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रवेश करवा दी है। और सचिव का घेराव करने के लिए सचिव के कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं किसान। आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं। किसान खेत में अपना अनाज नहीं रख सकता, ना करते वो डेयरी मंडी में करेगा। जब ऐसे खरीदेगी अच्छी ना खरीदेगी वो हम बात कर लेंगे। आप हमारे साथ हैं, आपके साथ ही हमारी मंडी को मंडी देने का आपको कोई बात है, आप टकराव पैदा आप करते हो बिल्कुल। कलेक्टर साहब को बुला लो, हम नहीं सर, हम गेट बंद नहीं होने देंगे। आपके पास कोई है सुरेंद्र है ना, तो इस टाइम का सबको पता है मंडी की व्यवस्था। एस डी एम साहब, कलेक्टर साहब, आप मंडी में जिम्मेदार है, जो भी प्रशासनिक कह रही है आप मंडी की व्यवस्था कैसे रही पहले
कैसे अनाज आता था किसान का, मंडी में डेरी होता था और किसान मंडी में आके सारा पूरा अनाज ले गया। वो इसका तो आपको पता नहीं है ना, तो मंडी की व्यवस्था था वही तय करके गए थे, उन्होंने प्रोसीडिंग पर साइन किए हैं। अब नए आएंगे उनसे और मिल लेते हैं, आप आए हो एसडीएम साहब से और बात कर लेता हूँ, नए कलेक्टर नहीं आते हैं। किसानों की मांग ये है कि मांग गुला डाल देनी है, आपने ये हमारे को दिया है कि दुकान एक से आठ के हिसाब से। एसडीएम साहब से आप बात कर लो, हम यहाँ बैठे हैं, बात करा के यही वार्ता कर लेंगे। जब तक वो कोई रोकेगा नहीं, आप उनको कह दे वो कोई रोके ना ट्राली को। मंडिया के अंदर पहले अनाज आंदा सी, अनाज खुले च पैर हुंदा सी, ज्ञापन देड़ो सी, अनाज दी व्यवस्था मंडी दी ज्ञापन पहला को देड़ो है, पर हुण ओह व्यवस्था नूं क्यों बिगाड़ रहे है। अनाज पंपर अनाज हो रहे है, किसान किन्ने दिन रखूगा, सरपंच साहब नमस्कार, कैसे हो जी? उसने कर लो कुर्सी। हाँ जी बताओ क्या समस्या है, आज कैसे आए तुम? हाँ जी ਕਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਐਫਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕਾ ਗੇਹੂੰ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਮੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆ ਥਾ, ਵੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀ ਇਹਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਕੋ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਮੰਡੀ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਂਚੋਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, और जिसको टोकन मिला उसके आधार पे ही कहते मंडी में ट्रैक्टर लेके या ट्राली अनाज के लेके आएगा किसान, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बनाई इन्होंने। किसान का अनाज पहले भी मंडियों में आता रहा है, मंडियों के जो पेड़ बने हैं, मंडी का जो भी ग्राउंड है वहाँ अनाज मंडियों का किसान लेकर आता था, खुले में वहाँ ढेरी कर देता था और एफसी उसको खरीद शुरू कर देती थी। अब ये व्यवस्था खुद बिगाड़ना चाहता है मंडी समिति का प्रशासन और हनुमानगढ़ का प्रशासन। हम उसको यही ये हम प्रशासन को क्यों कह रहे हैं कि उस व्यवस्था को पहले बड़ी व्यवस्था को बिगाड़ के और किसान को परेशान करना चाहते हैं। हमारी मांग है, कल भी हमारे साथी आए थे और आज हम और भी किसान साथी आ रहे हैं कि पहले की व्यवस्था पहले की भांति खरीद शुरू हो, और जो पहले व्यवस्था थी ट्रैक्टर जब भी मशीन लगे खेत में और वहाँ से गेहूं की या दूसरी फसल की कोई भी कटाई होके पहले अनाज मंडी में ढेरी होता था, वैसे की व्यवस्था हम चाहते हैं। सरपंच साहब हो सका है आज का प्रबंध करे हुआ है भाई, कोरोना ने बचाने खातर करे हुए कोई और गाइडलाइन आई हुई पीछे ये कहो ये बात? देखो जी कोरोना की बात कह रहे हैं कि महामारी है, एक कोरोना वायरस है, और वो वायरस है उन मंत्रियों की नहीं होती जो अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहाँ बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, इनके मंत्री दूसरी पार्टियों के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन किसान की फसल आ गई तो वो वायरस का बहाना लगाकर किसान को परेशान करना चाहते हैं। वायरस का हम भी वायरस के उससे बचाव के लिए हम साथ हैं, हमने गांव में भी हिदायत सबको इसके लिए बताते हैं कि आप थोड़ा इससे बचाव और दूरियाँ बना के रखें, लेकिन वो दूरी को बनाते हुए पिछले सीजन भी इन्होंने इसका महामारी का बहाना बनाकर जो गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से खरीद शुरू होनी थी, पिछले सीजन की बात है, वो 27 तारीख को जब किसान इकट्ठा हो गया इलाके का और यहाँ मंडी के सचिव साहब को और एफसीआई के अधिकारी को यहाँ इस ऑफिस में रोका
और उसका ग्राफ किया, तब 27 और 28 अप्रैल को खरीद शुरू की है। पिछले साल भी ऐसे किए इन्होंने। और जो सरसों की खरीद थी वो पिछले साल जो सरसों मार्च में कटाई शुरू हो जाती है, वो सरसों की खरीद पिछले सीजन मई में खरीद शुरू की थी। ये जो दादागिरी करते हैं, किसान का शोषण करना चाहते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसान इसके लिए लड़ेगा। मंडी वाले चाहो के ओके मांगे थारी मंडी वाले वही चाहो मैं जी कि मंडी में पहले की व्यवस्था, पहले की भांति ट्रालियां आए और अपना अनाज खाली करके किसान डेरी करके अपना काम करे, यही चाहते हैं। ये ट्राली रोक लेते हैं गेट पे, एक गेट है खोल रखा, बाकी सारे गेट बंद कर रखे हैं। पिछले सीजन भी गेट बंद करके थे सारे, फिर हमने आगे बात की किसानों ने, सारों ने, फिर ये सारी मंडी की गेट खुली है। और किसान जो चौकीदार रखने का काम है गेट पे, वो मंडी समिति का है, वो चौकीदार रखे और सारे गेट की व्यवस्था करे। यही हमारी मांग है। यहाँ बताओ ये मांग है किसानों की। हमारी मांग ये है, जैसे मंडी समिति ने एक व्यवस्था बनाई है टोकन व्यवस्था, जैसे आज किसी किसान के कंबाइन चल रही है और उसका टोकन में नंबर 3 दिन बाद में है, तो वो आज उस गेहूं को काट कर गया तो घर पे डालेगा या खेत में डालेगा, उसका सारा काम ठप हो जाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि जैसे किसान की गेहूं खेत से निकल रही है सीधी मंडी में आके डेरी हो जाए, और जिस दिन आप से खरीदना चाहे टोकन वाले दिन हमारी गेहूं खरीदे, हमें डाल ले इस मंडी के अंदर। मंडी हमारी है, हमारी मंडी हमें वो हमारे लिए रहनी चाहिए। ये जो बिल थे, यही बिल उसका रुझान आना शुरू हो गया। मंडी ये लोग सरकार करे, मंडी खत्म नहीं कर रहे, ये मंडी खत्म हो रही है बिल्कुल। भी किसान है वो खुद की मंडी में अनाज नहीं डाल सकता, तो ये मंडी तो बिल्कुल खत्म है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, किसान की जैसे खेत से गेहूं निकल रही है सीधी पिट पे आके डलनी चाहिए, और जिस दिन उसका टोकर का नंबर है खरीद उसी दिन कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी ने तो घोषणा करी है कहीं भी बेचो कहीं भी जाओ जी, हमारे खुद की मंडी में नहीं लेके आ रहे ना, घोषणा आपको दिख रहा है ना, कहीं खुद की मंडी है वहीं नहीं लेके आ रहे, बाहर कहां ले जाने देंगे हमें। आप बताओ हमारी लोकल मंडी है उसके अंदर भी हम नहीं लेके आ रहे, बाहर हमें कहां ले जाने देगा, वो हो सकता है ऐसा कुछ। ये बिल्कुल उसका रुझान आना शुरू हो गया जो बिल है, और ये मीटर लगा के टेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और किसानों को परेशान ना करे तो ठीक है, इसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज के कार्य करना पड़ेगा। आज हमने दो ट्रालियां बाहर रुकी हुई थी उनको अंदर लेके आए हैं हम, बिल्कुल 10-15 सीजन चले उतने नहीं बैठे गेट पे, एक भी ट्रॉली को बाहर नहीं रुकने देंगे, सबको अंदर लेके आएंगे। तो एक दिन आओगा काल फिर वही दिल्ली, हम तो हम 4 महीने से वहां बैठे दिल्ली बॉर्डर पे टोल नाका पे बैठे, हमारा काम क्या है, हम तो दिल्ली बैठेंगे, दिल्ली बैठेंगे हम, मतलब दिल्ली आओगा था बिल्कुल आएंगे। जी सरकार ने रोजगार दिए किसानों ने, दुखी कर रही है, रोजगार क्या है दुखी, ये बिल्कुल वही है। हाँ जी काल भी आया थे के बात है, हम रोज रोज मंडी मानो, हमारी मंडी में कणक खेत के मां तैयार है, इन्हें आ दो इन्हें मंडी कणक खेत में तैयार है, इन्हें आ जाओ थोड़ा सा मंडी भी दिख जाए आप, मैं मंडी में कणक लेनी है। हां ए अठे गेट पर रोक लिया के जिका कण टोकन ओसी बिंगी कणक मंडी में आवेगी, कणक मंडी किसान की है, मारी है मंडी, माने मंडी में कणक ल्याण देवे, मैं कणक लेके आवांगा मंडी में जब सरकार खरीदनी चाहे, जब सरकार कणक खरीद ले, क्योंकि जिका सरकार कानून बनाया बे बांगो रुझाना चालू हो कि मंडी किसान की, किसान ने ही मंडी में कणक कौन ल्याण दे, तो ओ न्याव कठे को है, क्योंकि अजी का पेड़ बनया है सारो किसान को खर्चो लगे मंडी किसाना ही कौन बात कहो, किसाना नहीं किसाना ही कौन, तो किसान ने क्यों रोका क्यों जा रहा है बिरे, ये बात है कि किसान को क्यों रोका जा रहा है, मंडी में उसको अपनी उपज लाने का अधिकार है और वो अपनी उपज मंडी में लेके आएगा जब चाहे उनको, जब सरकार खरीदे, और सरकार खरीद में भी आनाकानी करती है, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी, मंडी में जींस तो आना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक इन्होंने खरीद शुरू की नहीं है। आज का कह रहे हैं कि आज खरीद शुरू करेंगे, हम कह रहे हैं कि आज भी आप खरीद शुरू करो और सुचारू रूप से खरीद को चलाओ और हमें मंडी में लाने दो, क्योंकि अगर हम मंडी में, हमारी वहाँ मशीन लगती है और मशीन से सीधी गेहूँ ट्रॉली में आती है और ट्रॉली से मंडी में आ जाती है, अगर वो हम घर पे रखेंगे या खेत में उसकी डेयरी करेंगे तो हमें दोबारा मेहनत मजदूरी करके उसको करना पड़ेगा और हमारा टाइम खराब होगा, और अगली फसल की जो बिजाई है उसमें भी हमारा टाइम खराब होता है। इस वजह से हमारा मंडी समिति प्रशासन को कहना है कि हमें नहीं रोका जाए और हमारा माल सीधा मंडी में आने दिया जाए, और सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। पर्ची तो थाने देने लग रहा है, दिन बताने लग रहा है, यही दिन आ जाइयो, फिर परेशान नहीं, दिन तो एक मिनट गेहूं पक गया,
वो दिन बता रहे हैं। हमारी चिंता क्या है, आजकल खेतों में आग भी लग जाती है, मौसम खराब हो जाता है। हम हमारा माल मंडी में लाना इसलिए चाहते हैं ताकि मंडी में जो ये शेड बने हुए हैं इनके नीचे रख सकें, इस शेड के नीचे माल रख सकें, हमारी तुलवाई हो जाए जल्दी से जल्दी और वो माल सरकार के गोदामों में जाए ताकि आम आदमी को वो जितना जल्दी हो सके। कोशिश ये रहती है कि गेहूँ सूख जाती है तो गेहूँ में आग लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है और सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है इस बात का कि अगर किसान के खेत में गेहूँ में आग लग गई तो सरकार के पास इंतजाम नहीं है, कोई दमकल नहीं पहुँचती, कोई कुछ नहीं पहुँचता और किसान को नुकसान उठाना पहुँचा पड़ता है और किसान बड़ी मुश्किल से इस खेती को करता है। आज खेती को घाटे का सौदा बनाने के लिए इन्होंने इफको कंपनी ने 1900 रुपए का वो डीएपी की भी बात कह दी है। इनका लक्ष्य कुल मिला के किसान को परेशान करके उसकी जमीन छीनना है, ये हम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। और हमारा ये कहना है कि किसान की जींस खेत मंडी के अंदर आते ही बिके और बिकते ही तुरंत उसका भुगतान किया जाए। जब तक किसान के खाते में भुगतान नहीं आ जाता तब तक किसान को चिंता रहती है क्योंकि किसान को अगली फसल भी खेत में बोनी होती है। इसलिए हमारा प्रशासन से हाथ जोड़ के ये कहना है, हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, हम रोज रोज मंडी में धरने प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर हमारा काम सही तरीके से हो तो हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये हमारा इस प्रशासन को कहना है कि हमारा माल खरीदा जाए और ये सरकार से भी इस बात मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि वो तीनों काले कानून वापस ले ताकि हम हमारे खेतों में काम कर सकें और अन्न उपजा के इस देश की तरक्की कर सकें, यही हमारा कहना है प्रशासन से। तो धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन की जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, किसानों के अलग अलग मत हैं, किसानों का अलग अलग कहना है कि किसान को पहले की तरह सामान्य तौर पर, हाँ जी की कहना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਸਾ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਤੜਕੀ ਲਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰ ਲਓ। तो किसानों का यही कहना है कि किसानों का आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ किसानों का यही कहना है कि सामान्य तौर पर सानू जेड़ा पहला दी तरह मंडी विच कणक लियाण दी छूट दी जावे, दोबारा फिर कलम जुड़ांगे, हाले लंबा चलूगा प्रोग्राम, थोड़ा जिहा ब्रेक ले लैने, चाह पानी पी के दोबारा फिर आवांगे इत्थे तैयार होके, फिर कलम न्यूज लाइव दिखावां तैनू। गुरदेव सिंह सैणी दी नमस्कार।